मतलब ये कुछ कब्र हैं यहाँ इस रेस्टोरेंट के बिल्कुल फ्रंट में ही, तो इनकी वजह से ये थोड़ा सा फेमस है। कुछ भी नहीं लिख रहा है कि यहाँ मुझे फ़ोन की टॉर्च वगैरह नहीं पड़ रही, मुझे काफ़ी दूर पे उस स्टेयर के जो है। चलिए अब चलते हैं वापस। अभी मैं जा रहा हूँ भाई, ये जो सबसे नीचे वाला डेस्टिनेशन देख रहे हो आप, हरी दादा हरी वाव, तो यहाँ चल रहे हैं अभी। तो ये एक बहुत पुराना स्टेपवेल है, बावड़ी जिसको बोलते थे वो है। तो अभी चल रहे हैं दादा हरी वाव, वहाँ पहुँच के दिखाते हैं। एक एंशिएंट बावड़ी है, इसका आर्किटेक्चर काफ़ी पुराना है, तो इसका इतिहास क्या है ये वहाँ जाके ही पता चलेगा। तो वहाँ जाके ही मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा इसके बारे में थोड़ी बहुत कुछ। चलिए पहुँचते हैं। अबे यार जाना था कि फ्लाईओवर के ऊपर से। चलिए ठीक है, मिलता हूँ आप लोगों से वहाँ पहुँच के। तो जी फाइनली हम चलते चलते पहुँच गए दादा हरी वाव। चलो देखते हैं कैसा है, क्या है। वैसे ये जितनी सारी जगह आज मैं गया हूँ, 4-5-6 जितनी भी जगह थी सारी ना, वहाँ से जो मेरा हॉस्टल था उसे बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है, मुश्किल से 10-10, 12-12, 15-15 मिनट का ही पैदल का रास्ता है। अगर आप एक सर्कल में अगर पूरा करोगे ना तो सारी ये कंप्लीट हो जाएंगी, पूरा एक सर्कल बनता है। तो ज़्यादा टाइम आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजिली आप एक दिन में ये 7-8 जगह ये सारी घूम सकते हो। और वैसे अभी भी डे लाइट तो काफ़ी है, मेरे ख्याल से अभी 2 घंटे की डे लाइट और बाकी है, 2 घंटे में तो आप एक दो जगह और जा सकते हो ईजिली। तो ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है मेरे को स्ट्रक्चर ना, नीचे तक जाने का इसका, देखते हैं नीचे तक कैसे क्या है नीचे, और जाके वहाँ लाइट सफिशियंट है या कुछ वीडियोस वगैरह कुछ बनेगी। वैसे आगे तक है, चलिए पहले नीचे चलते हैं फिर आगे देख के आते हैं क्या है। काफ़ी नीचे तो उतरा है हूँ अभी भी, और काफ़ी गहरा है ये, और यहाँ पानी की जो फ्रेगरेंस होती है सीलन की, वो जो पानी की खुशबू होती है मिट्टी जब भीगती है तो वो सब आने लगी है। चलिए थोड़ा और नीचे चल के देखते हैं और कहाँ तक जा सकते हैं। ये इसका बेस है, जो ये वाव है इसका बेस है, यहाँ से पानी भरना स्टार्ट हो गया और ऊपर तक शायद इसके इतने सारे लेवल्स है, यहाँ तक भरता था। चलिए देखते हैं, चलिए थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं उस तरफ लास्ट पार्ट क्या है। लास्ट है भाई, इसके बाद कुछ नहीं है ऊपर, और ये ऊपर का है पार्ट। ये मुझे फोन की टॉर्च ऑन करनी पड़ रही है भाई, मेरे पीछे तो आप लोग देख पा रहे हो कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ मुझे फोन की टॉर्च ऑन करनी पड़ रही है, काफी दूर भी उस टेयर के जो है। चलिए अब चलते हैं वापस। और बस अभी तो यही है, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो अबंडन है, उनका अभी प्रॉपरली यूज नहीं हो रहा है, यूज में नहीं है ये सब जगह। पहले कभी ये लोग अपने मतलब ये जगह अपने टाइम पे जब फुल्ली फंक्शनल थी तो इनकी अहमियत लोगों को समझ में आती होगी, उस टाइम पता होगी लोगों को इनके क्या अहमियत है। चलिए अब चलते हैं वापस ऊपर।
ये है भाई दादा हरी वाव या दादा हरी बावड़ी। और ये देखो यार स्ट्रक्चर इस पे ना, इस पे मतलब ऐसा है कि इस सेंट्रल स्ट्रक्चर के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ना स्लोप्स दिए गए हैं ताकि पानी सारा बह के, ये जो नालियां बनाई गई हैं ये वाली है जो ये नाली है, और इनसे मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसा है यार इस बावड़ी का ना, इस पे गिरने वाली एक भी पानी की एक बूंद वेस्ट नहीं हो सकती, सारी की सारी इसके अंदर इकट्ठी होगी। नालियों का स्ट्रक्चर ऐसा बना है, बहुत ज़बरदस्त है इसकी मतलब यार कारीगरी, और एक तो डिज़ाइन इसका, इसकी जो कलाकारी है, जो पत्थर पे जो काम किया गया बारीक, सब कुछ गजब है। और इंजीनियरिंग तो भाई मतलब तगड़ी इंजीनियरिंग कर रखी है, पानी थोड़ा सा भी पानी वेस्ट नहीं होता, पूरा पूरा पानी इकट्ठा होगा। और एक ये है, ये नीचे जाने का रास्ता है, ये छोटा सा जीना है ना, एक छोटा सा स्टेयर के से नीचे जाने का रास्ता है, और ये दोनों तरफ है, उस तरफ भी है जैसे वो लगा हुआ है, और ये भाई जो आप देख रहे हो ये इस तरह का है। तो चलिए अब चलते हैं, इस कंपाउंड में एक मस्जिद भी है पीछे, तो वहाँ भी होके आते हैं, देखते हैं मस्जिद कैसी है, लेट्स गो। तो दादा हरिवाव के कंपाउंड में ही ये मस्जिद है, और चलिए एक बार मस्जिद के अंदर देख के आते हैं कैसी है, अंदर से कैसा बना हुआ है स्ट्रक्चर, चलते हैं देखते हैं। वो भाई खड़े हैं कि यहाँ, उनसे पूछते हैं अगर अंदर कैमरा अलाउड होगा तो। तो भाई मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को ना, ये देखो बाहर बोर्ड्स पे कुछ लिखा है, और यहाँ पे आके ना एक्चुअल चीज़ जो पता लगी है कि ये दादा हरी नहीं है, भाई हरी सुल्तानी है। ये एक्चुअली महमूद बेगड़ा का जो हरम था जिसमें उनकी औरतें होती थी, यहाँ जो शाही औरतें होती थी, तो उससे की इंचार्ज थी, जो हरम की इंचार्ज थी ये, और इसलिए बाई बोलते हैं, बाई हरेर सुल्तानी। तो थोड़ा सा ये कंसेप्ट इसका बिगड़ा हुआ है भाई, ध्यान रखना दादा हरी नहीं है ये, तो बाई हरेर है सुल्तानी। और ये पूरा यहाँ का कैंपस, बहुत सुंदर बिल्डिंग बनी हुई है ये, और 1499 में ये बन के कम्प्लीट हो गई थी, वैसे 1500 लिखा हुआ है, बट यहाँ जो भाई हैं जो ये मेरे पीछे हैं भाई, इन्होंने बताया कि 1499 में ये बिल्डिंग कम्प्लीट हो गई थी बन के। और ये भाई हरी सुल्तानी की यहाँ पे वो हैं मज़ार वगैरह अंदर, और उनके कुछ साथियों की है, तीन साथी और उनके उनकी है, और ये बिल्डिंग है। चलिए थोड़ा सा अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं, आपको दिखाता हूँ अंदर का भी थोड़ा सा। तो 500 साल से ज़्यादा हो गए इसको बने हुए, और भाई ये चीज़ें दिन की तो मतलब मुकाबला हो ही नहीं सकता, जो पुराना आर्किटेक्चर था, जो टेक्नोलॉजी थी, उसको मुझे नहीं लगता कि आजकल कंपीट किया जा सकता है, क्योंकि उस टाइम मेरे ख्याल से जो हमने पढ़ा है कि इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते थे, बट इन सब चीज़ों को देखते हैं यहाँ आके, जब ये सब देखते हैं तो लगता है कि वो बहुत रिसोर्सफुल लोग थे, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी थी उनके पास, जो इतना सब कुछ वो कर रहे थे इतने अच्छी। अब यार इन पे चलिए मैं एक आधा कुछ नमूना एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, एक आधा यार जो मीनार हैं दो, इन पे देखो यार क्या गजब की कारीगरी है इस पे पत्थर पे। तो ये सब देख के कौन कह सकता है कि उस टाइम टेक्नोलॉजी कम थी, वो कम उन्नत लोग थे, नहीं भाई वो बहुत एडवांस थे इस टाइम के लोग ना, ये मतलब कमाल कर रखा है। हाँ जी, तो ये था भाई हरीर नी वाव, गुजराती में जैसे बोलते हैं तो भाई हरीर की वाव थी ये सामने, और एक बावड़ी जिसको बोलते हैं स्टेपवेल होता है जो इंग्लिश में वो है। तो अहमदाबाद में आप आएंगे तो यहाँ भी आइए ज़रूर, बहुत पीसफुल लोकेशन है, आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं आराम से। और मौसम तो आज भाई कहर कर दिया मौसम ने तो मेरे ऊपर, आज ब्लैक स्वेटशर्ट पहनी हुई है मैंने, ब्लैक ट्रैक पैंट पहना हुआ है मैंने, और उसके अंदर थर्मल्स भी पहने हुए हैं मैंने, तो हालत ख़राब है मेरी, धूप कड़क है आज एकदम।
तो चलिए अभी यहाँ का भी हो गया अपना सफ़र, जो मैंने यहाँ की कुछ लोकेशंस अहमदाबाद सिटी के अंदर की मैंने फाइनलाइज़ की थी कि मुझे वो विज़िट करनी है, तो वहाँ मैं आज का टारगेट मेरा हो गया कंप्लीट। एक एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया, एक्चुअली दो लड़कियाँ मिली थी मुझे वहाँ चंद्रविलास रेस्टोरेंट जब मैं गया था, वो भी किसी मैगजीन के लिए लिखती हैं, तो वो भी उसी तरह एक्सप्लोर करने के लिए आई थी वहाँ उस जगह को देखने, अहमदाबाद घूम रहे थे एक्चुअली, वो लोकल ही हैं अहमदाबाद के ही हैं। तो उन्होंने मेरे को एक जगह बताई यहाँ लकी रेस्टोरेंट, जो कि मैंने हिस्ट्री टीवी और डिस्कवरी वगैरह पे उसके बारे में काफ़ी सुना था, जो लकी रेस्टोरेंट है, लकी उसका नाम है, जहाँ वो काफ़ी फेमस है क्योंकि उसके रेस्टोरेंट के बीचों बीच ना कुछ कब्र वगैरह हैं, तो वो उनके वहाँ भी डाइनिंग का एक खाने पीने का एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो उन्होंने मुझे ये एक याद दिला दिया, मुझे याद था बट मुझे ये ध्यान में नहीं था कि हाँ ये अहमदाबाद में है, बट थैंक यू मनीषा एंड ऋषि, एक चीज़ मिस होने से बचा ली, मैं मिस कर जाता उसको, तो थैंक्स अलॉट। तो ये लकी रेस्टोरेंट है यार, और मेरी बेवकूफ़ी देखो, ये सीधी सैयद मस्जिद है, यहाँ से इसके सामने से निकल के गया मैं, अब मेरे को वापस आना पड़ा यहाँ पे, नहीं तो मैं सीधा डायरेक्टली वहाँ से अपने हॉस्टल चला जाता। चलिए कोई नहीं, अब चलते हैं इसमें, कुछ यहाँ खाते पीते हैं, थोड़ा सा इसका भी एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा है। हाँ जी, ये देखो और ये अंकल जी बैठे हैं यहाँ। तो अभी मैंने ऑर्डर किया एक पाइनएप्पल मस्का बन और चाय, तो मुझे पता नहीं कैसा है चाय का, तो हमें पता है कैसी होगी गुजरात की चाय, उत्सम होती है भाई, ये देखते हैं कैसा है। और ये लकी रेस्टोरेंट है यहाँ अहमदाबाद का, बहुत फेमस है, फेमस क्यों है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, बट एक बार अपना जो काम है खाना पीना वो ख़त्म करते हैं, उसके बाद करते हैं। तो ये बिल आ गया भाई अपना, एक मस्का बन और एक चाय 50 rupees। हाँ मस्त था ये मस्का बन भी ना, बट इसमें थोड़ा सा पाइनएप्पल का, जो मैंने पाइनएप्पल मस्का बन मंगवाया था और साथ में चाय भी मीठी होगी और ये बन भी मीठा हो गया, तो थोड़ा सा मीठा कुछ ज़्यादा ही हो गया था। वैसे जब स्टार्टिंग में फर्स्ट बाइट लिया तो बहुत टेस्टी था भाई, वो फिर चाय के साथ मिक्स हो गया ना, थोड़ा सा एवरेज सा हो गया था, बट हाँ सच में अच्छा था मस्का बन, जो पाइनएप्पल मस्का बन था मज़ा आया, टेस्टी चीज़ थी। तो चलिए अभी एक बार बिल करवाते हैं अपना, सामने अंकल जी बैठे हैं उनसे बातचीत करते हैं, थोड़ा सा अगर कुछ हुए आगे बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे तो उनसे पूछते हैं। तो बाबू लोग लकी रेस्टोरेंट में बैठा था मैं, बैठे बैठे यहाँ से जैसे ही निकलने का हुआ तो किसी ने आवाज़ दी मेरे को और मैं बैठ गया यहाँ, थोड़ी देर बात करने लगे तो अच्छी दोस्ती होगी, काफ़ी देर से बैठे यहाँ। ये किसका है अंकल जी, ये जो दो हैं कब्र? अच्छा ये ग्रेवयार्ड है, टोटल टोन 1950 में होटल चालू हुआ, कब्रस्तान था, कब्रस्तान में होटल बना। अच्छा अच्छा ठीक है, 26 टोन। अच्छा तो ये दो यहाँ 24 है, बाजू वाला दोनों एक ही है। अच्छा वो उसमें उसमें 24 है, 24 ये। अच्छा अच्छा तो ये पोस्टर है, और ये भाई देखो मैं बताऊं, ये ना जो ये एक्चुअली लकी रेस्टोरेंट जो है अंकल जी ने अभी बताया, वो एक ग्रेवयार्ड भी बना हुआ है, तो 1950 में स्टार्ट हुआ, 1950 स्टार्ट हुआ, तीसरी पीढ़ी चल रही है। अच्छा अभी तीसरी पीढ़ी चल रही है, तो 1950 में जब ये स्टार्ट किया गया उस टाइम यहाँ पर एक ग्रेवयार्ड था, तो ग्रेवयार्ड पे ये रेस्टोरेंट बनाया गया। अंदर तो नीम का झाड़ है बड़ा बड़ा, किसका? नीम का जान। अच्छा अच्छा हाँ, दो नीम का पेड़ भी है, उसी टाइम का है वो, उसी टाइम पहले का, उसके पहले का, उससे पहले का है, नीम का पेड़ भी है, काफी पुराना है। और ये जो पीछे देख रहे हैं ये, चलिए वहाँ भी देखते हैं, 24 कमरे उस तरफ हैं और दो इसके अंदर हैं। तो ये है यहाँ की स्पेशलिटी, डाइनिंग विद द डेड इसको बोल सकते हैं आप। तो चलिए उस तरफ का भी देखते हैं। तो ये प्रणव भाई इधर के, ये प्रणव भाई हैं और ये दीपक जी हैं, तो इनके साथ बैठा हूँ मैं काफ़ी देर से, बहुत अच्छी बातचीत हुई इनके साथ, इन्होंने अपना नंबर भी शेयर किया कि बाई चांस अहमदाबाद में किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई काम हो तो याद करूँ मैं इनको। थैंक यू वेरी मच सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू और साथ में चाय भी, हाँ यहाँ बिस्किट है, हाँ और अदरक वाली चाय, यहाँ यहाँ की भाई चाय तो आप लोगों को पता ही है यार, चाय का तो कितना शौकीन हूँ मैं, तो हर जगह चाय ढूंढता फिरता हूँ, मरता हूँ चाय के लिए, चाय पीने के लिए मैं, पता है क्या, एक्स्ट्रा 4-5 किलोमीटर चल सकता हूँ, अगर कोई बोले ना वहाँ आपको चाय के लिए 4-5 किलोमीटर मैं चल जाता हूँ, कितना ही थका हूँ। तो ये है सर यहाँ 24 ग्रेव्स इस तरफ है और दो उस तरफ है, और बीच में ये एक
नीम का पेड़ है, तो यूनिक कंसेप्ट है भाई, बहुत अच्छा है। और अच्छा ये पीछे से दोनों एक ही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। इसमें 24 और उस तरफ दो, टोटल 26 है, 26 ग्रेवस्टोन्स हैं भैया। चलिए सर, आपका नाम क्या नाम है? कासिम। कासिम, कासिम जी हैं, कासिम जी ने बताया। और उस तरफ जो वो बैठे हैं अंकल जी, उनका नाम पूछना भूल गया। उनका नाम अब्दुल भाई रजाक। अब्दुल भाई रजाक, तो ये इनकी तीसरी पीढ़ी यहाँ है, तीसरी पीढ़ी इस रेस्टोरेंट को चला रही है एक्चुअली, जो यहाँ ग्रेवयार्ड पे इन्होंने बनाया हुआ है। तो एक बहुत अच्छा यूनिक कंसेप्ट इन्होंने यहाँ रखा हुआ है, और इनको ये इन्होंने चेंज नहीं किया एक्चुअली, अभी भी ग्रेवयार्ड है यहाँ, जो उस टाइम पे थे ये ग्रेव स्टोन इन्होंने बरकरार रखा है। सर बहुत अच्छा है कंसेप्ट, और फिर ये खाना भी अच्छा है, मैंने ट्राई किया एक्चुअली, इस तरह मैंने ट्राई किया है। चलिए चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ, आज का हुआ अपना दिन खत्म, मिलता हूँ हॉस्टल। तो ये रिलीफ रोड है भाई, और रिलीफ रोड अहमदाबाद में ओल्ड सिटी में आता है। ओल्ड सिटी एक्चुअली जो यहाँ का पुराना अहमदाबाद जो शहर है उसको ओल्ड सिटी बोलते हैं, और मोस्टली जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, सब की सब यहाँ इसी एरिया में आती हैं। तो तकरीबन सारी चीज़ें यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और आप जैसे यहाँ रेलवे स्टेशन वगैरह के आसपास, अगर यहाँ डॉर्मेट्री जैसे मैंने सनशाइन डॉर्मेट्री में अपना बैठ लिया है, तो सनशाइन डॉर्मेट्री में अगर आप रुकते हैं तो आपको कोई गाड़ी वगैरह लेने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है, सब कुछ तो 2.5-3 किलोमीटर के दायरे में सारा आ जाता है, कवर हो जाता है। तो आप इजीली पैदल चल के सारा सब कुछ क्लियर कर सकते हो। अब ये बहुत सूटेबल है अगर आपको ये सिटी अहमदाबाद अगर एक्सप्लोर करना है, तो रिलीफ रोड ही आपको सबसे बेस्ट लोकेशन मिलेगी यहाँ रुकने के लिए, एक दो दिन अगर आप रुकना चाहते हैं। ये पतंग का मांजा है, वैसे ये सफ़ेद रंग का होता है, और इसको अभी रंग रहे हैं, एक तो ग्लास पाउडर वगैरह इस पर लगा रहे हैं और कलर भी दे रहे हैं इसको। ये वाइट कलर का है बट इसमें अभी पिंक कलर दिया जा रहा है, ये अंकल जी वगैरह ये जो सब लगे पड़े हैं ना, ये इसमें कलर कर रहे हैं। तो इस तरह से इसमें रंग करके और फिर चरखी पे लपेट के बेच देंगे। फिर मकर संक्रांति पे यहाँ राजस्थान और गुजरात में काफ़ी क्रेज़ होता है पतंगे वगैरह उड़ाने का ना, लोग बहुत पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग के पेच वगैरह होते हैं वो लड़ाए जाते हैं, पतंग की क्या बोलते हैं उसको यार, कंपटीशन जैसा हो जाता है, होता था हरियाणा में भी होता था पहले, बट अभी वो टाइम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हरियाणा से तो ख़त्म ही हो गई, ये पतंगबाजी वगैरह भी सब हरियाणा से ख़त्म हो गया, वो पगड़ी वगैरह भी बांधते थे जो मेरे दादाजी की एज के थे, उन लोगों के साथ वो सब चीज़ें चली गई हैं, बहुत कम लोग आजकल, जो खंडवा था हमारे हरियाणा में वो खंडवा बहुत कम लोग मानते हैं आजकल। ठीक है, देख के बुरा भी लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसे ख़त्म होती जा रही हैं, आगे आने वाली जनरेशन को शायद पता भी ना लगे कि वो क्या था, कुछ था, नाम सुन के उनको अजीब सा फील होगी ये क्या था। ठीक है कोई नहीं, अब था जो था वो। ठीक है चलिए पहुँचते हैं अपने हॉस्टल में। तो मैं आ गया हूँ भाई अपने हॉस्टल में, और अभी डिनर विनर करके मैं और एक मेरे भाई एक और मिल गए थे मुझे, हाँ हैदराबाद से, वो बड़ा प्रसाद उनका नाम है, उनके साथ जाके अभी डिनर करके आया, तो उनसे भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा मैं मॉर्निंग में आप लोगों को। और अब करते हैं आराम, आज का दिन बहुत अच्छा स्पेंड हुआ, मज़ा आया, कुछ नए लोगों से भी मिला, गुजराती लोग बहुत अच्छे लगे मेरे को भाई, सच में बहुत अंदर क्या बोलते हैं वो, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है गुजराती लोगों में। वीडियो अगर पसंद आई हो आपको तो लाइक करें, और वही कुछ अगर आपके सजेशंस हैं, कुछ चेंजेस चाहते हैं आप, कुछ मुझे आपकी उम्मीदें हैं तो वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, कमेंट कीजिए उसके लिए। आने वाली वीडियोज़ देखने और गिवअवेज में पार्टिसिपेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें इंस्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।